अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें आप सबसे पहले कॉमर्स के बारे में जानेंगे कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स, द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विथ द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड कॉमर्स। प्रोड्यूसर, जो सामान को बनाता है। कंज्यूमर, जो गुड्स का यूज करता है। प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, एक प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ? कंज्यूमर को। एक प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर किया जाता है। किसको? कंज्यूमर को, कस्टमर को। ये गुड्स का और सर्विसेज का जो ट्रांसफर होता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा एक कंज्यूमर को, इसमें जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है, इसके लिए जितने भी काम किए जाते हैं, ये सारे एक्टिविटी को, ये जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। एक प्रोड्यूसर, एक सामान बनाने वाला अपने गुड और सर्विसेज का ट्रांसफर करता है। किसको? कंज्यूमर को, कस्टमर को, यूजर को। इसमें जितनी भी सारी एक्टिविटी की जाती है गुड्स और सर्विसेज को, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसके लिए जितनी भी सारी एक्टिविटी की जाती है, इसके लिए जितना भी काम किया जाता है, ये काम का जो ग्रुप है, ये जो वर्क होता है, काम होता है, एक्टिविटी होता है, इसका जो ग्रुप है, ये सारे कामों के ग्रुप को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। सो द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, टोटल एक्टिविटी विच आर कंसर्न, उसका संबंध है द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह गुड्स और सर्विसेज का, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, किससे शुरुआत होगा? प्रोड्यूसर से, जो सामान बनाता है, टू द कंज्यूमर, और वो सामान किसके पास जाएगा? जो लास्ट में यूज करता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब गुड्स का ट्रांसफर होता है, सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, तो इस गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफर के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसके लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, जितने भी काम किए जाते हैं, वो जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होगा, ऑल वर्क, ऑल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। नाउ डेफिनेशन बाय एवेलेन थॉमस। कॉमर्स डील्स विथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स क्या चीज का काम करता है? गुड्स खरीदने और बेचने का। द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, गुड्स का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका
डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉमर्स क्या क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, सामान की अदला बदली, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे जो एक्टिविटी जिसके द्वारा की जाती है उस एक्टिविटी को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन बाय एवेलाइन थॉमस। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो काम प्रोडक्शन का हो या गुड्स का लेन देन हो या कोई सर्विस हो, सर्विस दैट मीन्स बैंकिंग, जो बैंक में काम होता है सर्विस प्रोवाइड है, इंश्योरेंस का काम सर्विस प्रोवाइड है, एक टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाना सर्विस प्रोवाइड है। तो कोई भी ऐसा काम जिसको करने से पैसा आता है, धन आता है, मनी आता है, बट ये वर्क कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, कानून के द्वारा पारित होना चाहिए। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल दोज एक्टिविटी, वो सारी कामें जिससे, जिसको करने से क्या आएगा? पैसा आएगा। तो ऐसे एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो प्रोडक्शन हो या गुड्स का लेन देन हो या सर्विस प्रोवाइड हो, टारगेट क्या है? पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर पैसा नहीं आता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। सर पैसा किस में नहीं आता है? अगर फ्री का बच्चों को पढ़ाया जाए, मंदिर में जो पुजारी है अनाथ बच्चों को मुफ्त में दवा कपड़े दिया जाए, तो ये सब क्या है? इसमें ये काम हो रहा है लेकिन इसमें क्या है? पैसा नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक, सिंपल सा बोल सकते हैं, वैसे एक्टिविटी जिसको करने से पैसा आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें काम करेंगे लेकिन पैसा नहीं आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक, वो सारी एक्टिविटी जिसको करने से पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ बिजनेस, ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट इज कॉल्ड। बिजनेस क्या है? फिर हम वही काम करेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, गुड का सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सर्विसेज का सेल करेंगे, परचेज करेंगे, क्यों? अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए। अगर हम लाभ कमाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज करते हैं, तो इस एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? हम लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और बिजनेस में क्या होता है? हम लोग कोई भी चीज करते हैं काम, यहां भी एक्टिविटी होती है, लेकिन इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए किया गया एक्टिविटी
बिजनेस कहते हैं। सो ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम एट प्रॉफिट इज कॉल्ड। हम सारी एक्टिविटी करेंगे लेकिन मेरा टारगेट क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट कमाने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज का क्या करेंगे? सेल करेंगे, परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का। क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए की गई जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बाय एच हेने। बिजनेस में बी डिफाइन एज ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? मनुष्य के द्वारा किया गया काम है। बिजनेस क्या है? मनुष्य के द्वारा किया गया वो काम टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, धन कमाने का कोशिश करना और धन कमाना। बिजनेस क्या है? मनुष्य के द्वारा किया गया वो काम है जिससे मनुष्य धन कमाना चाहता है, धन उत्पन्न करना चाहता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसके द्वारा? गुड्स को खरीद करके और बेच करके। नंबर फोर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन व्यापारिक लेन देन, बिजनेस से संबंधित एक्सचेंज लेन देन आदान प्रदान, रिलेटेड टू बिजनेस। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर लेन देन होगा बट किसके लिए? पैसा के लिए। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेज इट्स फिनेंशियल पोजिशन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब किसी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, काम पैसे के लिए होता है, जिससे जो बिजनेस है उसका जो फिनेंशियल पोजीशन है, पैसे कौड़ी की जो अवस्था है उसमें चेंज हो जाता है। किसी बिजनेस के द्वारा ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब किसी बिजनेस में कुछ ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा जिससे बिजनेस का जो फिनेंशियल पोजीशन है, फिनेंशियल पोजीशन मतलब उसका जो पैसे का जो पावर है उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसके पास जो पैसा है उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फिनेंशियल पोजीशन। किसी बिजनेस में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसके चलते, किसी बिजनेस में जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिससे बिजनेस का जो फिनेंशियल पोजीशन है, फिनेंशियल पोजीशन पैसा का जो स्थिति है उसमें जब चेंज आ जाता है तो वैसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी और कैपिटल। और जब भी किसी बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उस बिजनेस के जो एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, कैपिटल होते हैं, उसके वैल्यू में क्या होता है? चेंज आ जाता है। जब भी किसी बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस से संबंधित लेन देन होता है तो बिजनेस का जो संपत्ति है, जो लायबिलिटी है, दायित्व जो है और जो कैपिटल है उसके वैल्यू में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसका पहला लक्षण है क्या, उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सेकंड, इट्स रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। और बिजनेस ट्रांजैक्शन का दूसरा लक्षण है कि उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज होना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का दूसरा लक्षण, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला क्या है उसका लक्षण, एक इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और दूसरा क्या होता है, जो फर्म होता है उसका फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन होने से फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। नंबर थर्ड, इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, दो बिजनेसमैन एक दूसरे से गुड्स का सेल और परचेज करते हैं, ये हो गया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल में क्या होता है, कोई भी फर्म, कोई भी एक बिजनेस है, उसमें जो एसेट है, जो फिक्स एसेट है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, दो बिजनेस एंटिटीज, दो बिजनेस एक दूसरे को परचेज और सेल करते हैं, क्या चीज का, गुड्स का, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। दूसरा है इंटरनल ट्रांजैक्शन, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इंटायरली विद इन वन बिजनेस, इसमें एक ही बिजनेस होगा, इंटरनल में एक होगा और एक्सटर्नल में दो बिजनेस एंटिटी होगा, सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। जब एक बिजनेस एंटिटी में क्या होता है, जो फिक्स एसेट होता है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू धीरे धीरे घट जाता है, जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। नंबर फोर, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। और बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो चेंज आता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पैसा से, मनी से। बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो बदलाव आता है, चेंज आता है, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं, मनी से। द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जो बदलाव आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, जो बदलाव आता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मनी से करते हैं। नेक्स्ट, इवेंट, एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन का परिणाम है। यहां जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। Thank you.